फरमाइश आई एक गौ माता की रागणी की कि सजनों आज इस दुनिया में आज दो ही चीज सबसे दुखी हैं, एक तो किसान और दूसरी गौ माता। जैसा हाल आज किसान का है वैसा ही गौ माता का भी है। तो कुछ समय पहले कुछ कसाईयों ने गौ माता को पकड़ लिया। गौ माता का जच गी कि तन मारेंगे छोटे को न्या। गौ माता रोने लग जाती है और अपने हिंदू बेटों को याद करती है, तो वो गौ माता किस प्रकार से अपना दर्द बयान करती है कि रे के जिंदगी है हमारी। और एक बात के द्वारा वो गौ माता के कहने लगी, हे रे गौ माता न्यू रो के बोली हो रहा है, क्या क्या होता है गौ के साथ। चरबी न्यारी और
है वो गौ माता कि मेरे हिंदू बेटों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि माँ तो सिर्फ एक होती है तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हिंदुओं की पूरी चार माँ बताई है। कौन कौन सी बताई है? धरती माता एक गौ माता, धरती माता एक गौ माता, ये धर्म से माँ कहलाई, भारत माता एक जननी माता, भारत माता एक जननी माता, ये माता चार दिखाई दे गया, उसको तो तूने आजाद करवा दिया, लेकिन मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया। कैसे? सुभाष बोस तने फर्क करया रे, सुभाष बोस तने सैकड़ों हत्थे तोड़े थे, यहां तक कि अपने प्राण भी गंवा दिए थे। कहने लगी, करे बेईमान, कम तक अब तन्न तो मेरी रक्षा करने के वचन भरे थे कि गौ मां तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन बेटे मने नू लग गए, या तो तू इन पापियां ते डर लिया और नहीं बेटे आज तेरे भी नीत में फर्क आ लिया। किसको याद करती है तीसरी बात पे? माता
कहते हैं कि मेरे बेटों, अगर आज इन किसाइयों ने, आज इन कसाइयों ने मेरा कुछ कर दिया और मेरे कुछ हो गया, तो आज के बाद एक भी हिंदू अपने आप को जिंदा मत समझना। क्यों? क्योंकि जिस धर्म के अंदर मां के मांस को खाया जाता हो, वो धर्म कभी जिंदा नहीं हो सकता। कैसे? Oh,